A great hello to all class 12 students and class, I believe that you are doing great and you're completing your work as well. So children, we are doing lesson number 4, we are doing it, and the topic for today is factors affecting price elasticity of demand. Factors affecting price elasticity of demand. Now today in today's class we are going to read about what are the factors जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पांच तरह की प्राइस इलास्टिसिटी है. परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, देन यूनिटरी इलास्टिक, देन इन इलास्टिक एंड इलास्टिक, राइट. सो वी आर गोइंग टू मूव टूडे, वी आर गोइंग टू रीड द फैक्टर्स. अब आज वो चीज़ें पढ़ेंगे, वो बातें पढ़ेंगे, वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, फर्क डालते हैं, असर डालते हैं. व्हेन आई एम सेइंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट डज एग्जैक्टली इट मींस, इट मींस क्या चीज़ें हैं जो प्राइस के कम ज़्यादा होने की वजह से डिमांड बढ़ती है और घटती है. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा असर पड़ेगा प्राइस के घटने और बढ़ने का, डिमांड की क्वांटिटी डिमांड पर ज़्यादा असर पड़ेगा. तो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट इट. The first one is your availability of substitute. First one is your now this is the first factor. Now in this we have to see that whether a commodity has a substitute or not. If a commodity has substitute, that means that the commodity, the elasticity of the commodity is going to be what? Elastic, right? And if a commodity does not have a substitute, that means the elasticity is going to be what? Less elastic. The commodity is going to be less elastic. Now, let's understand this. If, suppose, you talk about tea or biscuit, they have substitute. These things have substitute. अगर आपको एक बिस्किट नहीं मिल रहा है तो दूसरे तरह का बिस्किट मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी डिमांड को कम और ज्यादा करोगे. मतलब एक तरह का बिस्किट अगर ज्यादा महंगा हो गया है तो आप उसी तरह का दूसरा बिस्किट खरीद लोगे, क्योंकि बिस्किट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है. एक बिस्किट नहीं है तो दूसरा बिस्किट है, राइट. सो यहाँ पे क्या है, किसी एक बिस्किट के ना होने पर या किसी एक बिस्किट के प्राइस बढ़ जाने पर आप क्या करोगे, अपनी डिमांड को दूसरे बिस्किट पर शिफ्ट कर दोगे. तो यहाँ पे डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक. मतलब सब्स्टिट्यूट मौजूद है इसलिए आपकी डिमांड कम और ज्यादा हो पा रही है. लेकिन कुछ चीजों के सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स हु डू नॉट हैव सब्स्टिट्यूट, व्हिच डू नॉट हैव सब्स्टिट्यूट. इन दैट केस डिमांड कम और ज्यादा नहीं हो सकती. लाइक फॉर एग्जांपल सॉल्ट. सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नो सब्स्टिट्यूट. इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट का कितना भी प्राइस बढ़े आप उसकी डिमांड को कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है. अगर सॉल्ट महंगा हो गया तो आप कुछ और चीज़ खाने में नहीं डाल सकते हो. तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस के बढ़ने या घटने का. आपको जितनी ज़रूरत है सॉल्ट की, नमक की, आप उतना परचेज करोगे ही करोगे. तो इफ़ अ सब गुड हैज़ सब्स्टिट्यूट, देन द डिमांड इज गोइंग टू बी इलास्टिक. एंड इफ अ गुड डू नॉट हैव सब्स्टिट्यूट, देन द डिमांड इज गोइंग टू बी इनइलास्टिक. जैसे कि एक और एग्जाम्पल है नो सब्स्टिट्यूट का, वो है मेडिसिन. हमें भी मालूम है कि मेडिसिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, राइट. अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी क्या हो, महंगी हो, ठीक है, चाहे वो कितनी महंगी हो, चाहे वो कितनी भी सस्ती हो, राइट. तो आप क्या करने वाले हो, अपनी डिमांड को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको जरूरत है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है तो देन यू हैव टू परचेज इट. सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, द डिमांड इज गोइंग टू बी इलास्टिक. इन केस ऑफ द थिंग्स व्हिच डू नॉट हैव सब्स्टिट्यूट, द डिमांड इज गोइंग टू बी इन इलास्टिक. Right? Goods which have substitute their demand is
elastic and vice versa. So very, very simple thing, right? So availability of substitute is there, demand is going to be elastic. Non-availability of substitute is there, demand is going to be inelastic, right? So this is the first factor. They are also saying example bhi diya hai book mein. Like for example, the consumer will have to buy it whether its price is high or low. Like for example, they are saying thus when the price of milk increases, the quantity demanded will not decrease. In book it is given, agar milk ka price badhta hai to milk has no substitute. So what you are going to do if the milk price of milk rises, you are not going to decrease the demand. So in that case the demand is going to be what? Inelastic. So this is what I have already told you. Now the next point is nature of the commodity. Nature of the So when we are talking about nature, we are talking about three types of good. यहाँ पे हम तीन तरह के good के बारे में बात कर रहे हैं. Necessities के बारे में, comfort goods के बारे में and किसके बारे में, and luxury goods के बारे में. LUXURY. तीन तरह के goods होते हैं. आपके necessary goods होते हैं, luxury goods होते हैं and comfort goods होते हैं. Now just listen. अगर good क्या है? Necessary है. अगर गुड़ क्या है? नेसेसरी. नेसेसरी गुड़ है, नेसेसिटी है आपकी. लाइक फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथ, मेडिसिन. अगर इस तरह की चीजें हैं, नेसेसरी चीजें हैं, तो इनका प्राइस कितना भी बढ़े या घटे, डिमांड क्या रहेगी? इनलास्टिक रहेगी. डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा. सो डिमांड इज गोइंग टू बी इनलास्टिक. इनलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी इलास्टिक. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पीईडी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी व्हाट? इनलास्टिक. क्योंकि नेसेसरी चीजों को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो. नेसेसरी चीजें आपको परचेस करनी ही पड़ती है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो जाए. तो सेकंड टाइप ऑफ गुड इज कंफर्ट गुड. कंफर्ट गुड्स आर दोज गुड्स विच गिव अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट टू यू. लाइक यू कैन हैव कूलर्स, स्कूटर्स, then you can have washing machines. These all are the things which give you what? Comfort. Now if these things are though not very important, but they have become a very, very essential part of our life, and if the price of such good increases, the demand for these goods generally do not decrease. So comfort good also have inelastic demand, right? Comfort good also have inelastic demand. इनलास्टिक डिमांड. क्योंकि इन चीजों की हमको क्या पड़ गई? अभी आदत पड़ चुकी है, हम लोग उसके हैबिट में आ गए. जैसे वॉशिंग मशीन की बात करें तो कोई नेसेसिटी नहीं है कि जरूरी होनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. वॉशिंग मशीन के कंफर्ट प्रोडक्ट है, हम लोगों को उसकी आदत पड़ गई. इसलिए आज की डेट में अगर वॉशिंग मशीन महंगी भी हो जाती है तो भी हम उनको परचेज करते हैं. सो दिस इज देयर. नाउ लग्जरी गुड्स. अब लग्जरी गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आपको बहुत बहुत आरामदायक होते हैं, बहुत लग्जरियस होते हैं. जैसे कि एक्सपेंसिव कार्स, डायमंड ज्वेलरी, डायमंड्स. इस केस में क्या है? अगर इनका डिमांड, इनकी प्राइसेस, सॉरी, अगर इनकी प्राइसेस ज्यादा हो जाए, लग्जरी गुड्स की प्राइसेस ज्यादा हो जाए, तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है? इनकी डिमांड कम हो जाती है. तो ये क्या है? इलास्टिक. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरियस गुड इज प्राइस इलास्टिसिटी of price elasticity of demand is elastic. When I say elastic, इसका मतलब है कम और ज्यादा हो सकती है. क्योंकि लग्जरी गुड्स है, बहुत ज्यादा जरूरी तो है नहीं, तो इनके प्राइस बढ़ जाने पे आप इनकी डिमांड काफी हद तक इनकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. सेम वे अगर इनका प्राइस घट जाए तो इनकी डिमांड बढ़ भी जाती है. तो लग्जरियस गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड, नेसेसरी गुड्स हैव इनलास्टिक डिमांड, एंड इवन कम्फर्ट गुड्स हैव इनलास्टिक डिमांड. Now the next factor which affects price elasticity of demand is the number of uses of a commodity.
the number of uses of a commodity. Now, this is also a very important factor which affects the price elasticity of demand to a great extent. Now, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, इनके बहुत सारे यूज होते हैं, लाइक मिल्क. मिल्क हैज मल्टीपल यूजेस, मिल्क हैज मल्टीपल यूजेस, राइट? इनकी अगर इनका प्राइस गिरता है या इनका प्राइस अगर फॉल करता है तो डिमांड फॉर दिस द मिल्क विल राइज. व्हाई? बिकॉज यू कैन मेक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ मिल्क. Same way, the uses of electricity. Electricity also has multiple uses, so that the price of electricity falls, the demand is going to rise. Same way, if the price of electricity rises, the demand is going to reduce. Same way, if the price of milk rises, the demand is going to reduce. So, उन goods की जिनके बहुत सारे uses होते हैं, उनकी price गिरने या बढ़ने, मतलब ज़्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से, price के कम होने की वजह से और ज़्यादा होने की वजह से इनकी demand भी कम और ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके uses को आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो. So, multiple uses वाले goods की has elastic demand. सेम वे अगर हम बात करें जिस कुछ गुड्स के बहुत ज्यादा मल्टीपल यूजेस नहीं होते हैं, लाइक पेपर. पेपर हैज नो मल्टीपल यूजेस. इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? पेपर में आप लिख सकते हो, उसमें नोट्स बना सकते हो, उसमें कुछ काम कर सकते हो, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो अगर कोई चीज अगर ऐसी हो जिसके मल्टीपल यूजेस नहीं है, तो उसकी प्राइस के बढ़ने और घटने की वजह से उसकी डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता. तो पेपर हैज नो मल्टीपल यूजेस, सो इट्स डिमांड is going to be what? Inelastic. This is very important. So goods has multiple uses, their price elasticity of demand is higher. Goods who do not have multiple uses, their elasticity of demand is what? Lower. That means they are inelastic, right? The next point, the next factor, that is factor number, now I'll rub this. Factor number four is five, time factor. This is the fifth factor. What does it say? Price elasticity is generally lower for the short period of time. Now, if the time period is short, if the time period is short, the demand is short. Time period में क्या होगा? If the time period is short, right, the demand is going to be elastic, right? And if the time period is long, the time period is long, then the demand is going to be inelastic. Like कैसे समझिए इसको? अगर आपके पास कम समय, as a consumer if you have less time, तो आप क्या कर पा रहे हो? अगर आपके पास टाइम कम है, आप चीजों के टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो या कुछ नहीं हो पा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा? आप क्या करोगे? ज्यादा टाइम नहीं लोगे और चीजों को क्या करोगे? या तो परचेज कर लोगे. और अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आपके पास ज्यादा चॉइसेस है कि हाँ मेरे पास टाइम है, मैं अपने आपको एडजस्ट कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पे भी प्रोडक्ट देख लूंगा, वहां पे भी प्रोडक्ट देख लूंगा, तो फिर चूज करके चीजों को लूंगा, तो उस केस में डिमांड क्या हो जाती है? इनलास्टिक, या इस केस में इलास्टिक हो जाएगी. और इस केस में क्या होगी? इन इलास्टिक हो जाएगी. सो शॉर्टर द टाइम पीरियड, इन इलास्टिक इज द डिमांड. लॉन्गर द टाइम पीरियड, इलास्टिक इज द डिमांड. सिक्स इज योर पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन. Now we are talking about the postponement. Now there are many things which can be postponed. There are many goods whose demand can be postponed.
right? Like in case you want to purchase a dress and there is no particular reason for purchasing that dress, you are not going to any function or any marriage or any party, you are not going there. You just want to purchase it, right? And in that case, you can what? You can postpone the demand in case you feel that the price of the dress is higher. Right? But in the case you want to purchase a dress particularly for a party and the price is too high, then still you are going to purchase it because you don't have time to postpone your demand. So, अगर आपके पास समय है postpone कर देने का कि हाँ मैं अभी नहीं लूँगा, बाद में लूँगा क्योंकि इसका price अभी ज़्यादा है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, तो इस case में आपकी demand क्या हो जाएगी? Elastic हो जाएगी. लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है, आपको तुरंत कोई product चाहिए और वो महंगा भी है, तो आप क्या करोगे? उसकी demand को change नहीं कर पाओगे. तो if there is possibility of postponement, then the demand is going to be elastic and vice versa. If there is possibility of postponement, demand is going to be elastic. And vice versa. Right? So, अगर आप postpone कर सकते हो अपनी demand को, तो आपकी demand क्या होगी? Elastic होगी. अगर आप postpone नहीं कर सकते हो, जैसे कि medicine के example है, if you are not well, you want to purchase medicine, then you can't wait for the time. You can't postpone your need because you need those medicines badly because otherwise it is going to affect your health. So you'll have to purchase the medicines. So in the case you can't postpone, the demand is going to be what? Inelastic. Right? The another factor, the seventh factor which affects the demand is price range. See, there are many products whose price is either very very high or there are many products whose price are very very low. Like let's take example, low product price product ki baat kare, low price product is a matchbox. Matchbox is 4 rupees 5. ठीक है, if a matchbox come for rupees 5, तो even if the price increases from rupees 5 to rupees 6, so there is only increase of 1 rupee. So in this case, the demand is not going to affect. But if the price is very high, right? If the price is very high and there is what? There is increase in the price, then the demand is going to be affected. Like example ले सकते हैं, car. If the car is for 7 lakhs, ठीक है, और वो हो गया कितना, होगी 8 lakhs हो जाती है. तो यहाँ पे कितने का फर्क आ गया? 1 lakh का फर्क आ गया. तो इस केस में आप क्या करोगे? आप अपनी डिमांड को थोड़ी देर रोक दोगे या परचेज उस वक्त नहीं करोगे क्योंकि 1 lakh का फर्क तो बहुत ज्यादा है. सो हायर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंक्रीज इन द प्राइस विल लीड टू व्हाट? डिमांड टू बी इलास्टिक. एंड लोअर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लाइक फॉर मैच बॉक्स एंड देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस, अ लिटिल बिट इंक्रीज इन द प्राइस डज नॉट अफेक्ट, सो द डिमांड इज गोइंग टू बी इन इलास्टिक. राइट, the another point is habit of the consumer. Now, habit of the consumer, what does it mean? There are some people, those who are habitual of certain products, like people, those who drink, they are very very habitual of taking alcohol. Same way, the people, those who smoke, they are quite habitual of smoking. So in this case, even if the price of such goods rises, they do not reduce the demand. That means if a person is habitual, he is going to purchase that particular product no matter what the price is. So in this case, the demand is going to be what? Inelastic. Right? Same way, if you are not habit of a product and you are just, and you can even deny it for some time or stop the usage of particular product for some time, then in case if the prices rises, you are going to not purchase that product. So in this case, the demand is going to be what? Elastic. Right? Habitual a person, inelastic will be demand. And vice versa. Right? Now the last
factor which affects demand is income of the consumer. Income of the consumer affects the price elasticity of demand to a great extent. How? Normally, rich consumers have inelastic demand. Normally, rich people have inelastic demand because they already have a lot of money, they have lot of riches. So even if in the case the prices of certain goods rises, their demand does not change because they have a lot of money to spend. But just if you just talk about the opposite part, the poor people who do not have money, who do not have income, if the price of certain goods rises, they either reduce to a great extent the demand, they reduce the demand to a great extent, or they postpone the purchasing of a particular good. So in this case, the richer the person, the inelastic is going to be the demand. So these are some of the factors which affects the demand to a great extent, right? And these were, if you just repeat once again, these were, the first one was your availability of substitute, right? Second one was nature of commodity. Third one was proportion of income spent. Then number of use of a commodity. Time factor. Sixth is possibility of postponement. Seventh is price range, eighth is habit of the consumer, and ninth is income of the consumer. So these are some of the factors which affect demand to a great, price elasticity of demand to a great extent. Right? So children, this is enough for today, and tomorrow we'll be moving forward with another video. Till then, take care of yourself, stay at home, stay healthy.